वेलकम बैक। आज हम सब मिलकर द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द क्रिकेट गेम के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आज मॉडर्न क्रिकेट पर टेस्ट क्रिकेट और वन डे इंटरनेशनल्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है जो नेशनल टीम्स के बीच में खेले जाते हैं। अगर आज भी हम पुराने फेमस क्रिकेटर्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो जानते हैं हमें सिर्फ वही क्रिकेटर्स याद आएंगे जिन्हें इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला, जैसे कि सीके नायडू। आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोस्तों पूरी एनर्जी के साथ आज का टॉपिक शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, सीके नायडू के अलावा बहुत से फेमस क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि पालवांकर विठल और पालवांकर बालू, लेकिन हम इन क्रिकेटर्स के नाम नहीं जानते क्योंकि इन क्रिकेटर्स का करियर इंडिया में टेस्ट क्रिकेट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हम सीके नायडू को तो इसीलिए भी याद करते हैं क्योंकि जब 1932 में इंडिया में टेस्ट क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ, तब उस समय इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन सीके नायडू ही बने। लेकिन जानते हैं दोस्तों, सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट 1877 में खेला गया। उस समय ये टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। आज इंडिया में क्रिकेट एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है। इनफैक्ट क्रिकेट गेम की मदद से हम सब अपनी नेशनलिज्म की भावना को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी का कहना था कि क्रिकेट गेम इंडियंस के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए ही बना है। महात्मा गांधी इसी बात पर फोकस करते कि इंडियंस को अपने ट्रेडिशनल गेम्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स को कॉपी करना चाहिए। लर्नर्स, अब हम लोग बात करते हैं डीकॉलोनाइजेशन एंड स्पोर्ट के बारे में। डीकॉलोनाइजेशन फ्रेंड्स कॉलोनाइजेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट होने की बजाय बिल्कुल फ्री हो जाता है, जैसे कि 1947 में इंडिया ब्रिटिश रूल से आजाद हो गया। लेकिन 1947 के बाद भी ब्रिटिशर्स कुछ केसेस में इंटरफेयर करते रहे, जैसे कि ट्रेड, मिलिट्री, स्पोर्ट या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर हम स्पोर्ट्स के केस में इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट के रेगुलेशंस बनाने का राइट इंडिपेंडेंस के बाद भी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के पास ही रहा। स्टूडेंट्स, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस एक क्रिकेट काउंसिल का नाम है जो 1909 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाई। इंडिपेंडेंस के बाद भी इस काउंसिल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट करते रहे। 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से बदल दिया गया और 1989 में फाइनली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस हटा दी गई और सभी कंट्रीज को इस काउंसिल में इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट दिया गया। स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्रिकेट गेम को इतना पसंद करते हैं, ये गेम पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं खेला गया। इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 1950s और 1960s में साउथ अफ्रीका ने रेशियल सेग्रीगेशन पॉलिसी का यूज किया। इस पॉलिसी के मुताबिक नॉन वाइट्स को टेस्ट मैच में हिस्सा लेने का राइट नहीं दिया गया। इस बात को जानते हुए भी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी साउथ अफ्रीका को अपोज नहीं किया। उन्होंने बिना किसी ऑब्जेक्शन के हमेशा ही साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच खेला। लेकिन स्टूडेंट्स, इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी भी रेशियल सेग्रीगेशन पॉलिसी का साथ नहीं दिया। उनके पास इतने राइट्स तो थे नहीं कि वो साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से हटा दें, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हमेशा ही बॉयकॉट किया। फाइनली 1970 में पॉलिटिकल प्रेशर के कारण इंग्लिश क्रिकेट अथॉरिटीज ने भी साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। आज के लेक्चर से फ्रेंड्स हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से क्रिकेट गेम में मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशंस आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉमर्स, मीडिया और क्रिकेट टुडे के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.